सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में खड़ी है KTM RC 200 2021, और ये जो कलर खड़ी है ये सिल्वर मेटेलिक, जो कि आपको अराउंड पड़ेगी 2,13,000। ऑन रोड में कोटेशन आपको लास्ट में शो कर दूंगा। और सबसे पहले इंजन के बारे में बात करेंगे तो इंजन आपको यहाँ पर 199.5 cc का मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 19.5 Nm का, और मैक्सिमम इसका जो BHP बोल सकते हैं वो आएगा 25.8 PS का। और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी यहाँ पर 13.7 लीटर मिलने वाला है। सीट के बारे में बात करें तो सीट चेंज हुई है पहले से, दबाने में थोड़ा सा पहले से और थोड़ा कुशनिंग बढ़ाई गई है, जिससे क्या है लॉन्ग राइड में और आपको बैक में थोड़ा सा मदद मिलने वाला है। और सामने की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले या LCD पैनल डिस्प्ले बोल सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। हैंडल बार्स जो कि हैं वो एडजस्टेबल हैं, इसको आप ऊपर एंड नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े अच्छा बोल सकते हैं लग रहा है एज़ कम्पेरिजन टू जो पुराना वाला ऑरेंज कलर का आ रहा था, उससे तो बोल सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलने वाली है वो 13.7 लीटर की मिलने वाली है, जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। रियर ब्रेक जो आपको है वो भी डिस्क में मिलने वाला है, और ये आपको डुअल चैनल ABS में मिलेगा। LED टेल लाइट मिलने वाली है, ऑडोमीटर भी डिजिटल मिलेगा, फ्यूल गेज GS आपको ये भी मिलने वाला है उसमें। और तो कुछ है नहीं गाड़ी में बताने को अभी के डेट में, क्योंकि इतना कोई बड़ा चेंज नहीं बोल सकते इसमें किया गया है कंपनी द्वारा। और ड्राइविंग चेंज हो ये अपना ड्राइविंग चेन, मतलब चेन ड्राइव वाला है, और सिंगल सिंगल स्टार्ट ओनली है। फ्यूल फ्यूल तो वही अपना फ्यूल इंजेक्टर जो आजकल के VS6 में गाड़ियों में आ रही है, फ्यूल इंजेक्टेड आपको इसमें देखने को मिलेगा। और तो कुछ है नहीं गाड़ी में बताने को। हाँ, हेडलाइट जो है, हेडलाइट इसमें बहुत ही दमदार है, और ये आपको मतलब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी आपको सुनाई देगा। और रही बात चेसिस की, तो इसमें आपको दो टोन में, मतलब टोन नहीं बोल सकते, टू फ्रेम में आपको चेसिस में देखने को मिलने वाली है, जो कि ब्लैक का वाला, ऑरेंज वाला अलग मिलेगा और ब्लैक वाला अलग मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन WP Apex 43 की सस्पेंशन आपको मिलेगी, रियर सस्पेंशन WP Apex मोनोशॉक रहेगा, जो कि पहले के मुकाबले में थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं जो पुरानी KTM आ रही थी उसके मुकाबले में। और बॉडी ग्राफिक्स अच्छे हैं इस बार, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट लुक ठीक आ रहा है। जो पुराने जो KTM लवर्स थे उनका जो प्रोजेक्टर वाला था वो तो बहुत ही, मतलब उसका एक अलग चार्म है और इसका एक अलग चार्म बोल सकते हैं। हालांकि अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर RC 200 की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। ग्राफिकल चेंजेस और डायमेंशन में भी चेंज थोड़ा बोल सकते हैं इस बार किया है KTM वालों ने। और अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ गाड़ी का। तो फ्रेंड्स, अब आप इसकी एग्जॉस्ट नोट को सुन सकते हैं, जो कि आइडलिंग में अभी गाड़ी खड़ी है और जो कि ठीक ठाक है पहले से कंपैरिजन में। पहले से कंपैरिजन में नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने जितने BS6 आते जा रहे हैं और सबका साउंड थोड़ा बहुत कंपनी दबा ही रही है। और यहाँ पर LED का आपको फ्रंट में मिलेगा, जो कि Duke 390 में मिल रहा था वो, जो कि इग्निशन स्टार्ट होने के बाद ही चालू होगा। और सुन सकते हैं आप एक बार एग्जॉस्ट को नोट को। और तो कुछ है नहीं वीडियो में बताने को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो तक, बाय। और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको क्लिक करें, और मुझे पता है वीडियो कैसा लगा, तब तक लिए।